ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह की अपने विभाग के अधिकारियों से अदावत की खबरें कई बार कई मंचों पर खुलकर सामने आई हैं, लेकिन गुरुवार की रात को विश्वेंद्र सिंह ने विभाग की जन्म पत्री ही खोलकर रख दी। विश्वेंद्र सिंह ने ट्विटर पर मुख्यमंत्री से विभाग में बदलाव के लिए कठोर फैसले लेने की अनुमति मांगी। विश्वेंद्र सिंह और विभाग के अधिकारियों के बीच चल रही रस्साकशी को लेकर देखिए ये खास रिपोर्ट। गहलोत कैबिनेट के वरिष्ठतम मंत्रियों में से एक विश्वेंद्र सिंह ना तो अपने विभाग से खुश हैं और ना ही विभाग के अधिकारियों से। कभी अपने बेटे अनिरुद्ध को विभाग की बेटिंग में ले जाकर विवाद में आए, तो कभी पर्यटन निगम के टेंडर को निरस्त करने के लिए मोर्चा खोलने को लेकर लाइमलाइट में रहे। अब विश्वेंद्र सिंह ने गुरुवार देर रात को एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, मैंने बहुत लंबे समय तक अपने स्वभाव और कार्य नैतिकता के खिलाफ जाकर बहुत सारी चीजों पर चुप्पी बनाए रखी थी। मेरे सीएम अशोक गहलोत ने हमेशा पारदर्शिता और ईमानदारी की वकालत की है और मैं अब पर्यटन विभाग की कमियों को साझा करने के लिए मजबूर हूं। इसके बाद विश्वंत सिंह ने दूसरा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि विभाग के अधिकारी मेरे निरंतर प्रयासों के बावजूद उच्च पर्यटन वृद्धि प्राप्त करने और नए उत्पादों को पेश करने के प्रति उदासीन है। पिछले 1.5 वर्षों में विभाग एक नई नीति पेश करने में असमर्थ रहा है। विश्वेंद्र सिंह ने अपने ही विभाग की पोल खोलते हुए एक और ट्वीट करते हुए लिखा है कि नए गाइड्स की कोई भर्ती नहीं हुई है और विभाग को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार से एक भी स्वदेश दर्शन परियोजना नहीं मिल पाई है। एक भी राज्य पर्यटन परियोजना का उद्घाटन नहीं किया गया है और न ही पर्यटन अधिकारियों की कोई नई भर्ती हुई है। 2 MD बदले जाने के बावजूद RTDC की पुनरुद्धार योजना का कोई ठिकाना नहीं है। विश्वेंद्र सिंह ने अपने अगले ट्वीट में विभाग की वित्तीय स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने लिखा कि विभाग की वित्तीय स्थिति बेहद चिंतनीय है। पर्यटन विभाग के अधिकारियों और पर्यटन उद्योग के हितधारकों के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं किया गया है। अधिकारी इस बात को लेकर अंधेरे में हैं कि COVID-19 के बाद पर्यटन पुनरुद्धार की दिशा में क्या होना चाहिए। इस संबंध में मेरे प्रयासों के बावजूद निजी क्षेत्र से हितधारकों की भागीदारी को शामिल करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। विश्वेंद्र सिंह ने अपने अगले ट्वीट में गिरते पर्यटन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि पर्यटकों के आगमन के आंकड़े पहले से ही गंभीर रूप से गिर चुके हैं। राजस्थान में पर्यटन उद्योग की दुर्दशा लगातार बढ़ रही है, फिर भी अधिकारी आंखें मूंदे हुए हैं। ये स्थिति पर्यटन विभाग की है जो प्रदेश के सबसे अधिक प्रासंगिक विभागों में से एक है। ऐसे में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अपने अगले ट्वीट में सीएम से अपील करते हुए कहा कि अशोक गहलोत जी, मैं राजस्थान में पर्यटन और उससे संबंधित उद्योगों में लगे लाखों लोगों के हितों और आजीविका को बचाने के लिए निकट भविष्य में कुछ कठोर लेकिन आवश्यक फैसलों में आपके समर्थन के लिए तत्पर हूं। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह इन ट्वीट के जरिए जो संदेश सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो स्पष्ट है। पिछले काफी समय से विभाग की प्रमुख सचिव श्रेया गुहा पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह की बैठकों में शामिल नहीं हो रही हैं। कमोवेश यही स्थिति अन्य अधिकारियों की भी है। दरअसल विभाग की बैठकों में मंत्री पुत्र के दखल के चलते श्रेया गुहा ने अपने आप को बैठकों से दूर कर लिया था। पिछले दिनों विश्वेंद्र सिंह के निवास पर हुई बैठक में उनके पुत्र अनिरुद्ध और विभाग के निदेशक डॉक्टर भंवरलाल और अन्य अधिकारियों के बीच तूतू मैमे की भी खबरें सामने आई थीं। इसके बाद अधिकारियों ने मुख्य सचिव डीवी गुप्ता से मुलाकात कर मंत्री और उनके पुत्र को लेकर शिकायत की और मामला मुख्यमंत्री तक जा पहुंचा। मंत्री खुद कई बार सार्वजनिक मंच पर कह चुके हैं कि पर्यटन निगम उनके क्षेत्राधिकार में नहीं है। इसके बावजूद वे क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पर्यटन निगम की फाइलें मांगने से लेकर टेंडर निरस्त करने तक की कार्रवाई करवा चुके हैं। अब एक बार फिर मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अपने ही विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनके ट्वीट से स्पष्ट है कि वे विभाग के अधिकारियों से तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।